दोस्तों, 1 अप्रैल को दूसरों को अप्रैल फूल बनाकर जो सुख हासिल होता है उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार किया है कि सही में मूर्ख कौन कहलाता है? कहीं आप भी धोनी में से एक नहीं? टॉप 10 हिंदी चैनल की इस वीडियो में मूर्खों को पहचानने के 10 लक्षण बताने वाले हैं हम, जिनसे हम आसानी से मूर्ख व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, जो खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता है, यानी कि जो सोचता है उसने हर ज्ञान हासिल कर लिया है। दोस्तों, बिना सोचे समझे खुद को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाले मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं, चाहे उन्हें किसी चीज की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो हर फील्ड में टांग जरूर अड़ाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान, मूर्ख लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। भले ही सामने वाला कितना भी सही हो, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति बिना पढ़े लिखे होकर भी ज्ञानी बनकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। नंबर 9, जो सोचता है कि वो भाग्य से धन प्राप्त कर सकता है, यानी कि बिना मेहनत के धन की लालसा रखने वाला व्यक्ति, बिना कुछ करे बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि उसको बिना मेहनत के बैठे बिठाए धन मिल जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक रोटी का निवाला खाने के लिए भी हमें खुद ही उठकर खाना पड़ता है, तो भला धन बिना मेहनत के कैसे कमाया जा सकता है? इनकी मेंटालिटी होती है कि कभी पापा से तो कभी भाई से पैसे मांगकर ही अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे। अब ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को मूर्ख ना कहें तो क्या कहें दोस्तों? आप ही कमेंट करके बताइए। नंबर 8, जो दूसरों के भरोसे बैठता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान लोग हमेशा खुद पर निर्भर होते हैं, वो दूसरों से किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो सिर्फ दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं, उन्हें खुद से कोई काम करना नहीं होता, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वही उनका सारा काम कर दे और दूसरों के काम से ही इनका भी नाम हो जाए। इस तरह के लोग ज्यादातर सिर्फ काश में ही जीते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा सोचते हैं कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए, काश कहीं से 10-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएं, काश मेरी लॉटरी लग जाए। ऐसे ही ख्याल इन लोगों के दिमाग में आते रहते हैं और ये सब सोचकर ही ये अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही एक एक दिन करके इनकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। एंड में इनके पास कुछ नहीं बचता। नंबर 7, मित्र के गलत कार्य में साथ देने वाला। मित्रता संसार में बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे दोस्त की यही पहचान होती है, जो अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेंडशिप में गलत काम में साथ देते हैं, ऐसे लोगों को भी मूर्ख कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये लोग मूर्ख नहीं होते, ये लोग दोगले और बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। यानी कि ये जो आपका गलत रास्ते में साथ दे रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है, बल्कि उनसे दोस्ती करने वाले आप महामूर्ख हैं। महाभारत में कर्ण समझदार होते हुए भी दुर्योधन के गलत कार्यों में भागी बने रहे, परिणाम यही हुआ कि मित्र का पूरा विनाश हो गया और खुद भी मारे गए। नंबर 6, अपने से बलशाली से दुश्मनी मोल लेने वाला। इस संसार में कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना अपनी शक्ति और सामर्थ्य जाने अपने से अधिक ताकतवर आदमी से दुश्मनी कर लेता है। वो अज्ञानी ही तो होगा, उसको पता होते हुए भी वो उससे कम ताकतवर ही है, साथ ही वो अपने दुश्मन की आंखें कमजोर साबित होगा, लेकिन वो फिर से उससे बढ़ने की इच्छा रखता है। इसलिए जो अपने से शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है, उसे महामूर्ख कहते हैं। नंबर 5, जिन लोगों में अहंकार अधिक होता है और अपनी कमजोरी नहीं देख पाते। दोस्तों, मूर्ख लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, इनमें अहंकार कूट कूट कर भरा होता है, भले ही ये 0 लेवल पर हों, लेकिन फिर भी इनका घमंड आसमान छूता है। ये अपने ईगो की वजह से अपने ज्यादातर काम बिगाड़ लेते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनमें ईगो है। ये अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, और कई बार अपनी ईगो की वजह से छोटी छोटी बातों पर ये आपसे गुस्सा हो जाते हैं। अपने ईगो और अपने क्रोध की वजह से कई लोगों को दुख पहुंचा देते हैं। नंबर 4, सांसारिक सुखों को सर्वोच्च मानकर ईश्वर को भूल जाना। दोस्तों, बहुत से लोग इस संसार की विषय वासना में ही खोकर रह जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता कि इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर की भी हमें वंदना करनी चाहिए, और ईश्वर की वंदना करने में जो सुख और शांति का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव इन सांसारिक सुखों में कहीं नहीं मिलता। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, वो मूर्ख ही कहलाता है। नंबर 3, जो पैसा अधिक खर्च करता हो। मूर्ख लोग हमेशा अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो गरीब होकर भी बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें रखते हैं। जैसे कि उनकी सैलरी अगर 10-15 हजार है तो भी वो आईफोन रखते हैं। ऐसे लोग रियलिटी से ज्यादा दिखावटी होते हैं, इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं,
और जिस वजह से फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होते हैं और इसलिए कभी भी कोई इनकी मदद नहीं करता। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मूर्ख कहा जाता है। नंबर दो, जो वो काम करते हैं जिसे करना वो नहीं जानते। अक्सर मूर्ख लोग वो काम भी करने लगते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी काम को अधूरी जानकारी के साथ करेंगे तो या तो वो गलत होगा या फिर उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाएगी। दूसरी ओर, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वही काम करता है जिसकी उसे पूरी जानकारी होती है। वो ऐसे किसी काम में अपनी टांग नहीं घुसाता जिसके बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। नंबर एक, आपके पैर की उंगलियों का आकार भी बता सकता है कि आप मूर्ख हैं या जीनियस। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। अक्सर माना जाता है कि जिन लोगों की पैर की उंगलियां वॉरियर टोज होती हैं, ऐसे लोग अक्सर अपनी खुद की लाइफ को छोड़कर पार्टीज में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वहीं दूसरी ओर, फायर टोज वाले लोग अक्सर क्रिएटिव, एम्बिशियस और एनर्जेटिक होते हैं। ये चारों ओर मौज मस्ती करने वाले होते हैं और उनके पास हमेशा जीनियस प्लान्स होते हैं। खैर, ये तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग काबिलियत रखता है और जितना वो हार्ड वर्क करेगा उतना ही खुद को बदलता जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।